मुझे स्कूल जाने के लिए क्यों मनाया? लैला, वैसे तुम मानो या ना मानो, इनके साथ स्कूल जाने का अलग ही मजा है। सही कहा, लेकिन ये लोग तुम्हारा फोन क्यों नहीं उठाते? तुम आती हो तो दरवाजा क्यों नहीं खोलते? रुको लैला, जाना या ना, दरवाजा खोलो। नास्तिया, दरवाजा खुला है। हाँ लैला, चलो अंदर चलते हैं। नहीं नास्तिया, मैं किसी और के घर में ऐसे अंदर नहीं जा सकती। लैला, किसी और के घर में तुम्हारा क्या मतलब है? ये डायना का घर है और याना है। चलो जल्दी अंदर चलते हैं। नाश्ते, अगर वो अंदर नहीं हुए तब क्या, बताओ? अरे वो अंदर ही होंगे, वो लोग सो रहे होंगे। वैसे भी चलो ना लैला। ठीक है, चलो चलते हैं। याना, डायना, कहाँ हो तुम लोग? नाश्ते, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लोग स्कूल चले गए हों और दरवाजा खुला छोड़ दिया हो। अरे नहीं, नहीं गए होंगे। चलो शायद वो लोग रूम में होंगे। चलो देखते हैं। नास्ते, मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार करती हूँ। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम यहाँ क्यों रुकोगी? लैला, अपने दोस्त के घर में हो तुम, चलो मेरे साथ। ठीक है, अगर कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार तुम होगी, सिर्फ तुम। नास्ते, क्या तुम अंधी हो? तुम्हें दिख नहीं रहा घर में कितनी शांति है? कोई नहीं है घर में। लैला, तुम घबराओ मत, वो लोग सो रहे होंगे अभी भी। क्या तुम खाओगी? नाश्ते, मेरी बात सुनो, कुछ भी छुओ मत। ठीक है, मत खाओ तुम। नाश्ते, तुम कुछ भी मत छूना यहाँ, हमारे फिंगरप्रिंट्स यहाँ रह जाएंगे। लैला, क्या तुम ठीक हो? तुम इतनी डरपोक क्यों हो आखिर? क्या तुम पागल हो? मैं डरपोक नहीं हूँ नाश्ते, मैं सावधान हूँ, समझ गई? ओ लैला, देखो यहाँ पे क्या लिखा है। मैं इस फैसले के बारे में सही हूँ। किसी और के घर में भी तुम्हें कोई चीज मिल जाए तो। ओ नाश्ते, तुम इस चीज में भरोसा करती हो? हाँ ठीक है लैला, चलो डायना को ढूंढते हैं। रुको नास्त्या, रुको ना, मुझे डर लग रहा है, अगर उन्हें कुछ हो गया होगा तो। हे भगवान लैला, शांत रहो तुम। तुम्हें दिखा वो लोग सो रहे हैं। ओह थैंक गॉड, वो लोग सो रहे हैं। लड़कियों, तुम लोग अभी तक सो रही हो? डरा दिया तुम लोगों ने हमें। लड़कियों उठो, तुम लोग जल्दी से उठ जाओ। डायना, तुम कैप्टन हो, आज बहुत जरूरी ट्रेनिंग है। तुम अभी तक सो रही हो? माँ, क्या आपने मेरे लिए चीज केक फ्राई कर दिए? डायना, ये तुम्हारी मम्मी नहीं है, ये लैला है। लड़कियों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम तुम नींद परियों को उठाने आए हैं। हम वहाँ आधे घंटे से रुके हुए थे और तुम लोग यहाँ पर सो रही हो। और मुझे तुम लोगों की कितनी चिंता हो रही थी, मुझे डर लग रहा था। और तुम लोगों ने मेन डोर भी खुला छोड़ दिया। खुला छोड़ दिया मतलब? हमने कल रात दरवाजा बंद कर दिया था। क्यों, क्या तुम लोग इन्हीं कपड़ों में सो गए जिसमें ट्रेनिंग किया था? और हमें बोलते हो कि चीयरलीडर घिनौने हैं? ओफो। ठीक है लड़कियों, हम कल रात मूवी देख रहे थे और हमें मूवी देखते देखते नींद आ गई, तो हम ऐसे ही सो गए, वरना हम पजामे में सोते हैं। चुप हो जाओ डायना, हमें उस बास्केटबॉलर्स को पहले उठाना था। क्या हो गया है उन लोगों को? ओ हाँ, हमें उन्हें भी उठाना है, जल्दी चलो। रुक जाओ लड़कियों, क्या बास्केटबॉल प्लेयर्स यहाँ पर है? यहाँ और कौन है? देखो शायद फुटबॉल प्लेयर्स भी हो यहाँ पर। शांत हो जाओ लड़कियों, वो बास्केटबॉल प्लेयर्स हमारी मदद करने आए थे पेंट करने में, और कुछ भी नहीं है ऐसा। हाँ, पर हम सो गए थे तब तक। ओ नाश्ते, मैं डायना से हैरान हूँ, और मैं भी याना से भी। हाँ, उन्हें दोस्त बना के सारा काम करवा लिया उनसे। सही बोल रही हो लैला, चलो चलें। ओ ब्रवास की, क्या तुम अभी तक सो रहे हो? ये गलत बात है। ओ मैं बहुत ही हैरान हूँ, ब्राउज तुम स्माइल के साथ अब तक सो रहे हो? जल्दी उठ जाओ तुम लोग। ओ लड़कियों, मुझे डर लग रहा है, ये हिल क्यों नहीं रहे हैं आखिर? वो नहीं हिलते हैं नींद में, वो सो रहे हैं अभी। दोस्तों तुम लोग जल्दी उठ जाओ। ओ इसे रिकॉर्ड करना चाहिए, सूजे हुए बास्केटबॉलर सुबह सुबह। एक, दो, ओ मैं ये नहीं देख सकती हूँ। तीन, क्या क्या लड़कियों, प्लेयर्स यहाँ नहीं है, वो तुम लोगों से डरकर भाग गए। डैम, सेल्फी नहीं ले पाए, कोई नहीं है। ठीक है, अगली बार ले लूंगी। याना, ये लोग कहाँ गए? याना तुम शांत हो जाओ, दिमाग लगाओ, उनके बॉल यहाँ पर है, इसका मतलब वो लोग स्कूल नहीं गए हैं अभी तक, है ना? याना, वो कहीं भी हो सकते हैं, किसी के भी साथ, समझ आई बात? जैसे किसी के साथ डेट पर। कैसी डेट, किस तरीके की डेट? हाँ बताओ मुझे। हाँ हम अभी उन्हें ढूंढ लेंगे, उन्होंने हमारा रूम पेंट कर दिया होगा, देखते हैं चलकर। हाँ चलो जल्दी। बास्केटबॉल प्लेयर्स, लड़कियों चिल्लाना बंद करो, वो घर पर नहीं है। क्यों कर रहे हो ऐसे? तुम्हारे पास दिमाग है? ओहो डायना, हमें पहले ब्रश करना चाहिए था ना। चलो पहले हम उन्हें ढूंढते हैं जाकर कि वो लोग कहाँ गए हैं अभी तक। हाँ ठीक है, ठीक है लड़कियों, जब तक तुम लोग बास्केटबॉल प्लेयर्स को ढूंढ रही हो, मैं अपने लिए एक सैंडविच बना लेती हूं। ठीक है नास्त्या। हाँ बस तुम पूरा सॉसेज मत खा लेना। वैसे नास्त्या, हम हमारे घर पर नहीं है। लैला दिखावा बंद करो, हम यहाँ पर रोज सैंडविच खाते हैं, यहाँ आओ चुपचाप से, बकवास मत करो। ठीक है नास्त्या, मेरे लिए भी एक बना दो, चीज ज्यादा ब्रेड कम, समझ आई बात?
जाइना, अभी तक हमने ब्रश नहीं किया, स्मेल आ रही है बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, हम पहले उन पागलों को ढूंढेंगे, फिर बाद में ब्रश करेंगे। याना, जरा इनको देखो, ये लोग कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कैसा बिहेव कर रहे हैं ये लोग। मुझे नहीं पता, बास्केटबॉल प्लेयर्स, तुमने हमें क्यों नहीं उठाया स्कूल के लिए? ये बिल्कुल गलत बात है। हे डायना, हेलो, तुम लोग सो रहे थे इसके लिए हमने तुम्हें नहीं उठाया। आओ हमारे साथ यहाँ आओ और कूदो, मजे करो। स्माइल, हमारा मजाक करने का बिल्कुल मूड नहीं है, ये बिल्कुल ही गलत बात है। चलो सब उतरते हैं। लड़कियों, क्या तुमने ब्रेकफास्ट बनाया? ब्रेकफास्ट? हाँ, क्या तुमने हमारा रूम पेंट नहीं किया अभी तक? ब्रेकफास्ट के लिए तुम्हें काम करना चाहिए। चिल्ला क्यों रही हो, हम पेंट कर देंगे। तुम लोग तब कहाँ थे जब लाइला और नास्तिया तुम्हें ढूंढने के लिए आए हुए थे? हाँ बताओ, हाँ कहाँ गए थे तुम लोग बताओ? डायना, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सारा प्लान इसका था। हम पड़ोसियों से मिलने गए थे और उन्होंने हमें सैंडविच भी खिलाई। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे घर के पास दो जुड़वा लड़कियां रहती हैं? हाँ, ब्रेकफास्ट। ओ, और तुम लोग उन जुड़वा लोगों के पास गए, तो ठीक है उनके पास चले जाओ ना, हम ब्रेकफास्ट नहीं देने वाले हैं तुम्हें अभी। ठीक है, चले जाओ उनके पास अभी के अभी जाओ। भाई मैं तो इससे शादी नहीं करूँगा। हाँ, मैं भी। 16 साल की और कितना चिल्ला रही है। हाँ, हाँ, देखते है, चलो। वैसे दोस्तों, इन्होंने पकड़ लिया ना? हाँ, पकड़े गए ये लोग। तुम वैसी हो। छोड़ो हमें। हो लड़कियों, ये बहुत ही गलत बात है। तुम्हें पता है कहाँ थे? ट्रैम्पोलाइन पे थे ये लोग। और तो और, ये लोग उन जुड़वा लोगों के पास थे। हाँ, उनको देख रहे थे तब तक, और उन्होंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया। समझ आ गया तुम लोगों को क्यों नहीं उठाया स्कूल के लिए। जल्दी से तैयार हो जाओ। ओहो, अब रूम पेंट करना होगा। वो मुझसे ऐसे बात करेगी, वो खुद पे पेंट करेगी। सुनो स्माइली, चलो बदला लेते हैं इनसे। देखो, उनसे बदला लेना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वो बाद में हमें माफ नहीं करेंगे। मैं इन चीजों से परेशान हो गई हूँ। मार्शिया, मैं भी। और मैंने कहा था ना, ऐसा ही होगा। तो तुम बताओ। ठीक है, तुम क्या बात कर रही हो? ये सब हम क्या बात कर रहे हैं? क्या हम बात कर रहे हैं बास्केटबॉल प्लेयर्स और चेयर लीडर्स के बारे में? ये लोग सिर्फ अपने कपड़ों के बारे में ही ध्यान देते हैं, प्रैक्टिस पर बिल्कुल भी नहीं। नहीं लड़कों, हम लोग सच में बहुत बोरिंग है। हाँ, स्कूल, घर, घर, स्कूल, और क्या? हाँ हाँ, लेसन्स ना। घूमते हैं साथ में। लड़कियों, तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे साथ कोई घूमने वाला नहीं है। मोर्शिया, तुम्हारे पास एक बड़ा घर है, तुम पार्टी क्यों नहीं रखती हो? और मोर्शिया, तुम भी। सुनो आर्थियम, तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम कोई पार्टी अरेंज क्यों नहीं करते घर पे? अगर हमें बुलाया तो हम आएंगे उस पार्टी में। हमारे मम्मी पापा अलाउड नहीं करेंगे। तुम बहुत ही बदतमीज हो। तुम सारे डिश छोड़ देती हो, उसके बाद फ्रिज खाली हो जाता है। मेरे पास एक तरकीब है, लेकिन तुम्हें बताना बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि तुम्हारा मुंह बड़ा है, तुम किसी को भी बता दोगे। कोस्टा कहाँ घूमना है, तुम्हारे घर पे चला जाए क्या? नहीं डीमा, मेरे घर पे नहीं, मुझे अपने पापा से बहुत डर लगता है। चलो भी दोस्तों, हमें कुछ बताओ भी। हम तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकते, हमारा मुंह बंद है। सुनो सुनो, शायद कोस्टा पार्टी दे रहा है। तुम इसकी सुन रहे हो, वो सिर्फ दिखावा कर रहा है। कोस्टा, जिन लोगों को घूमना पसंद होता है वो कभी भी पार्टी नहीं करते हैं, समझे ना तुम? और तुम देखो, मुझे घूमना पसंद नहीं है, मुझे पार्टी करना पसंद है। लेकिन अगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम अपना मुंह नहीं खोलोगे, तो मैं बता सकता हूँ कि हमें पार्टी कैसे करनी है, समझे? कोस्टा, तुम झूठ बोल रहे हो, हमारे पास पार्टी करने के लिए कोई जगह है नहीं। हमें नहीं बताएंगे। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्या तुम लोग को पार्टी चाहिए? वैसे हाँ चाहिए, हाँ चाहिए। देखो डायना अपने आंटी के घर गई है, उसका घर खाली है, वहाँ कर सकते हैं। कोस्टा, तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें समझ में आ रहा है कुछ? जो मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, इसके लिए हमें क्या चाहिए? बस चाबियाँ ही ना। ठीक है, हमें डायना से सब आज ही लेना होगा, और मैं डायना के पास जाऊंगा और कहूंगा चाबी दो। पात्रिक, वो तुम्हारे पास आएगी ना, कहेगी लो पात्रिक चाबियाँ, मजे करो जाके, है ना? तो दोस्तों, कौन है मेरे साथ साथ? बहुत बढ़िया, मेरे पास चाबियां नहीं है, लेकिन चाबियां डायना के पास है। चाबियां डायना से लेने के लिए कौन कौन तैयार है, जल्दी बताओ। नहीं कोस्टा, तुम्हारी तरकीब तुम ही जानो। मतलब तुम लोग पार्टी में नहीं जाना चाह रहे हो, मुझे समझ में आ रहा है। चलेंगे तो फिर मेरी तरकीब ठीक है, तुम्हें चाबी ला करके देनी पड़ेगी, बस और कुछ नहीं। मैं भी नहीं, और मैं नहीं, मैं भी नहीं लाऊंगा। मोर्शिया, चलो भी, तुम तो निडर हो ना। तुम क्या कर रही हो, तुम किस चीज में मुझे धकेल रही हो? कम शब्दों में सब समझ गए, पार्टी कैंसिल, क्योंकि सबकी फट रही है चाबी लेने में। गिगी। क्या गिगी? तुम लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो हर टाइम? गिगी। देखो तुम डरो मत, तुम बहुत छोटी सी हो, तुम जल्द से वो चाबियां हासिल कर लोगी। हाँ, हम लोग बड़े हैं, हम लोग दिखाई देंगे। नहीं गिगी, तुम सीरियस हो? गिगी, हम मजे करेंगे। ठीक है, मैं मान गई, लेकिन चाबी आज ही लेने का वादा नहीं कर सकती। वाओ, आज स्कूल शांत है, सब पढ़ाई कर रहे हैं। लड़कों, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ, क्योंकि तुम लोग सब स्कूल लेट आए हो, 4 पीरियड, ये बात गलत है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। जल्दी चलो, हम लोग ट्रेनिंग हॉल चलते हैं। चलो ट्रेनिंग चलो हॉल चलते हैं, ताकि कोई हमें ना देख पाए। कुछ ज्यादा ही सो गए, बाकी पड़ोसियों के पास चले गए। तो लड़कियों, जल्दी से ट्रेनिंग हॉल में जाओ, कोई हमें देख लेगा अगर तुम लोग यहाँ रहोगी तो। हाँ ठीक है, मैं भी चलती हूँ। दोस्तों, मेरे साथ कौन कौन चल रहा है? गिगी, तुम खुद।
और हम देख लेंगे। हाँ दोस्तों, तुम्हारा मतलब क्या है? चलो बिगी, तुम जल्दी चलो, चलो जाओ, तुम कर सकती हो। दोस्तों मुझे डर लग रहा है, मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया है। गीगी तुम कर सकती हो, तुम जाओ। चलो वहाँ धीरे धीरे जाना। हाँ ठीक है। यस यस। लड़कियों सुनो, हम लोग ड्रेसिंग रूम में जा रहे हैं। नया फॉर्म लेना चाहिए। ठीक है लड़के, तुम लोग जाओ, हम बाद में मिलते हैं तुमसे। याना प्रवास की, तुम अपने पड़ोसियों को हाथ दिखाओ, ठीक है? हाँ बस हो गया। ओह, कोई कोच नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, हमारी ट्रेनिंग अभी तक खत्म हो जानी चाहिए थी। बस हो गया, हम स्कूल 4 पीरियड्स के लिए लेट आए हैं, ये सब बकवास है। लड़कियों जब से तुम लोग बास्केटबॉल प्लेयर्स के संपर्क में आई हो, तब से कोई ना कोई दिक्कत हो रही है, कभी लेट हो जाती हो, कभी और कुछ। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, जाओ ना ट्रेनिंग शुरू करो। शानदार है, शानदार है, शानदार है, शानदार है। मुझे डर लग रहा है। गिगी तुम जाओ भी। दोस्तों बस करो, शायद मेरे साथ किसी को चलना चाहिए। नहीं तुम जाओ। मैंने क्या कहा? कुछ भी मत कहो तुम ऐसे। बस चाबी चुराना है और हो गया, हम पार्टी का इंतजार कर रहे हैं। चलो विकी की अच्छे से करो। ठीक है दोस्तों मैं जा रही हूँ, बस मुझे निकाला न जाए। सबसे अच्छे, सबसे अच्छा। बाहर जाओ, हमारा ट्रेनिंग सेशन है। ओ दोस्तों मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, मुझे बस यहाँ से चटाई लेनी थी और कुछ नहीं। ठीक है गीगी, तुम चटाई ले लो और अपने काम पर जाओ। हाँ, क्योंकि लोग यहाँ घूमते रहेंगे तो चेयर लीडर्स के राज की बात सुन लेंगे। मैं कुछ नहीं देख रही, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक दो तीन एक। ओह पॉम पॉम गिर गया। गुड लक प्रैक्टिस के लिए। सेवन एट नाइन। गिगी और क्या? ओहो जैसा सोचा था वैसा नहीं हो पाया, लेकिन हाँ हम सिर्फ इस पे निर्भर नहीं रह सकते हैं। गिगी पे भरोसा मत करो, ये इतना आसान नहीं है। तुम लोग मुझे अच्छे से नहीं जानते हो। गिगी तो मेरा खजाना हो। पार्टी कब है? गिगी हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हे पार्टी की पहली सदस्य मैं रहूंगी, इंचार्ज मैं बनूंगी।